नमस्कार दोस्तों, करेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ डोगरा रेजिमेंट। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है दोस्तों, एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और कब से एग्ज़ाम होगा मैं आपको ये भी बताऊँगा और एडमिट कार्ड भी मैं आपको दिखाऊँगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग का भी फ़र्ज बनता है कि अपना भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए दोस्तों, कि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं, पहले वैकेंसी के बारे में, उसके बाद मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखाऊँगा। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जैसे कि दोस्तों ये जो वैकेंसी आया था दोस्तों डोगरा रेजिमेंट, ये दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन कौन सा पोस्ट था दोस्तों, एलडीसी का था एक पोस्ट था, ठीक है, डॉट मैन का था एक पोस्ट था। फिर उसके बाद इसमें क्या क्वालिफिकेशन खोजा गया आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों थर्ड में था, फोर्थ में कुकमैन का था, बार्बर का था, माली का था, ठीक है, सबसे ज़्यादा कुक में था, ठीक है, 9 पोस्ट कुक में था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें एज लिमिट जो रखा गया था 18 से 25 रखा गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी के लिए 18 से 30, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 18 से 35, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है। दोस्तों आपका जीके और रीजनिंग से जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इंग्लिश से जो है आपको पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों पहले आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। दोस्तों आपका इसमें रनिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम पहले फर्स्ट में दीजिएगा, उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये सब होने के बाद दोस्तों आपका फाइनल कर दिया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट के मन में होगा सवाल कि सर इसमें वर्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में जो है आपको वर्दी का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बिना वर्दी वाला जॉब है दोस्तों, लेकिन ये परमानेंट जॉब है, ठीक है, ये नहीं टेम्प्रोली जॉब है, ये आपका परमानेंट जॉब है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे उस समय आपको 30 रुपया का स्टाम्प लगा था, ठीक है। उसके बाद जो आपको पता खोजा गया था जिस पे आपको भेजना था, ये है, इस पते पे आपको पोस्ट करना था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ऐसे आपका फॉर्म आया था दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से, उसके बाद आपको इसको भर के सेंड करना था इस पते पे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया है, मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखाता हूं, और कब आपका एग्ज़ाम डेट है मैं आपको वो भी बताता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड घर पे आएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे आपको एडमिट कार्ड दिखाते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये एडमिट कार्ड है दोस्तों, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दी डोगरा रेजिमेंट सेंटर, ठीक है दोस्तों, और 6 नवंबर को ये एडमिट कार्ड आया है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपना भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे दिखाते हैं आपका एग्ज़ाम कब होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कॉल लेटर फॉर रिटेन टेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये कॉल लेटर जो आया है दोस्तों रिटेन टेस्ट का है दोस्तों, और फर्स्ट में जो दिया हुआ है दोस्तों, जो आप जिस पोस्ट पे फॉर्म फिलअप किए होंगे वहाँ पे यहाँ पे जो है उसका नाम रहेगा। जैसे कि ये कुक का फॉर्म है दोस्तों, कुक का फॉर्म फिलअप किए थे उसका है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आपके मन में सवाल डाउट है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग का भी फ़र्ज बनता है कि अपना भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, जैसे कि पहले आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल पंजाब लाइन दी डोगरा रेजिमेंट सेंटर फौजाबाद कैंट, 27 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 बजे से,
रिटन टेस्ट आपका होने वाला है 27 नवंबर को, आपका एग्ज़ाम होगा आर्मी पब्लिक स्कूल पंजाब लाइन दी डोगरा रेजिमेंट सेंटर फौजाबाद कैंट, 27 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। रिजल्ट जो है आपका मात्र 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट कहाँ से आप देख पाएंगे, तो नोटिस जो है यहाँ पे टंगा जाएगा दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल पंजाब लाइन दी डोगरा रेजिमेंट सेंटर फौजाबाद कैंट, ठीक है। कब तक टंगा जाएगा दोस्तों, 5 बजे आपका नोटिस टंगा जाएगा। जब 2 दिन होगा तो नोटिस यहाँ पे टंगा जाएगा, तो आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों आपका स्किल टेस्ट जो है बहुत जल्द 1 से 2 दिन 1 हफ्ते में आपका ले लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब इतना प्रक्रिया हो जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।